सा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लग रही हूँ तो आज मैंने पहना है बेस, क्योंकि आज हमें ये लेने आने वाले हैं और आज त्यौहार भी था, तो इसलिए मम्मी ने बोला बेस पहन ले, तो इसलिए मैंने आज बेस पहना है। और ये है मेरा शीतन गुड्डा। किसी कह लो मैं कैसे लग रही हूँ? अच्छी। अच्छी लग रही हूँ? आपकी डॉगी अच्छी गई। हाँ मैं पता, मैं जब भी यहाँ आती हूँ और जब भी मैं ये पहन लेती हूँ ना, तो ये मुझे बोलती है मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, शादी में जा रहे हो? मुझे भी शादी में जाना है। तो आज हमारे खाने में बना है दाल बाटी चूरमा। ये है बाटी है, और इसके अंदर है दाल, और ये मम्मी ने बनाए हैं दो टाइप के लड्डू। ये है सूजी का, और ये है जो अपने चूरमे के जो लड्डू होते हैं जो अपने राजस्थान में बनते हैं, यहाँ वो बाजरे के भी बनाए क्या? हाँ। अरे वाह, मम्मी ने तो तीन टाइप के चूरमे बनाए देखो। और ये है बाजरे का लड्डू, ये मेरे मम्मी और पापा दोनों ने मिलके बनाए लड्डू। सुबह से लग रहे हैं जो आप बन गए, जो आप बन चुके हैं। आज मम्मी और पापा सुबह से लगे हुए हैं, और बाकी का काम मैंने किया था आज, इसलिए मैं भी व्लॉग शूट करने में काफी लेट हो चुकी हूँ। ये मम्मा मेरा पियानो नहीं दिखाया, आगे से दिखाओ। तो ये तो उल्टा करके दिखा रहे हो आप, आगे से दिखाओ। ये है इसका पियानो जो आप पहले भी देख चुके हो कई बार। तो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अपन हम खा लेते हैं पहले दाल बाटी चूरमा, डिलीशियस दाल बाटी चूरमा। गाइस मैं ले आई मेरा खाना, मैं अभी दो लड्डू लेकर आई हूँ जो भी इतने इतने से देख सकते हैं आप। मैं सिर्फ बाजरे का और सूजी का लड्डू लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, और जिस दिन दाल बाटी चूरमा बनता है मैं सिर्फ दाल बाटी खाती हूँ, चूरमे का आनंद हम अगले दिन लेते हैं। इसलिए हम करते हैं हमारा खाना इंजॉय। दाल में से कितनी भाप निकल रही है, दाल में ठंडी हो जाएगी फिर मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में। हम उड़ाएंगे हमारी पतंग, कितनी प्यारी पतंग है, इसमें तो किरण विरण सब लगी हुई है पतंग में। पर छप्पे पतंग उड़ाने, पतंग उड़ा रहा है पतंग। चलो उड़ा पतंग उड़ा, चलो पापा को दो, पापा उड़ाएंगे। आपकी कहाँ है? नहीं आज उधर भी उड़ रही है, आज तो फिर भी उड़ रही है पतंग। जयपुर में तो बिल्कुल ऐसे उड़ रही होगी। कबूतर उड़ जाते हैं ना? हाँ ढेर सारे कबूतर बैठे थे तो वो उधर जाओ ना, सेंशन सेंशन दे देते हैं। यहाँ तो गिनी चुनी सी तो पतंग उड़ रही है, यहाँ तो कितनी सी पतंग उड़ रही है, दो चार बस। ये यहाँ गिनी चुनी सी पतंग उड़ रही है, हमारे यहाँ पतंग कम ही उड़ाते हैं। जयपुर में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती है, ये देखो ऊपर और उड़ रही है दो। ये है हमारी नई पतंग, इसमें तंग डाले जा रहे हैं। डालो ना इसमें तंग, ऐसे इससे डालोगे क्या? वो उसमें सफ़ेद वाला धागा भी है, ये भी कच्चा है, हाथ मत कटवा लेना, कटी गई है तो यूँ। और क्या कच्चा है, वो नहीं क्या सीख जाड़ों की सीख है, ज़्यादा ऊंची भी कर दी ना नीचे यही आई। ये भैया उड़ा रहे हैं पतंग, उड़ तो गई, उड़ गई लेकिन अभी हवा नहीं चल रही इतनी, उड़ेगी ये हमारी पतंग। जा रही है धीरे धीरे, गई गई धीरे धीरे गई, खुलने तो जा रही है अभी। खाए खाए खाए, ये गई पतंग 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 गई। और ये रही नितिशा, ये देख रही है आज इसकी पतंग कितनी ऊंची उड़ गई। ये पतंग उड़ गया तुम्हारा, इधर तो देख, वाओ ये पतंग उड़ा, इसकी पतंग ऊपर उड़ गई तो ये वैसे ही खुश हो रही है। चप्पल पहन लिए,
चल गए तंग हमारी दूसरी पतंग में, अब इसको भी उड़ाएंगे, इसको उड़ाएंगे ये नीतिशा के पापा। आए के लिए इतनी सारी पतंग आ गई हमारी पतंग को काटने के लिए। हमारे पतंग कोई उड़ाता नहीं है, इसलिए हमें ना चक्री नहीं लाया हमारे, बस इतना सा मन जाए इससे हम पतंग उड़ाएंगे। मैं भी उड़ाऊंगी पतंग, ये दो पतंग में हो रही है लड़ाई। इसने ये दे रही छुट्टी, आप तो बैठ जा। ये लोग तंग बन चुके हैं, थक गया के ये तंग बन गए। क्यों मार रही है मामा साके? हम मार्केट जा रहे हैं,